मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण पर्व रामनवमी के मौके पर बुधवार को राजधानी पटना में 28 शोभा यात्राएं निकाली गईं। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्राएं अलग अलग रास्तों से होते हुए पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर तक पहुंची। विभिन्न आयोजन समितियां जगह जगह इन शोभा यात्राओं से जुड़े लोग मंगलवार की देर रात तक तैयारियों में जुटे रहे और फलस्वरूप भगवान श्री राम का पूरे रास्ते वंदन अभिनंदन किया गया। प्रशासन ने भी अपने स्तर की तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं और शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। डाक बंगला चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह प्रसाद, पीने के पानी और शरबत की व्यवस्था स्थानीय व्यवसायियों ने कर रखी थी। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी के मौके पर पटना के डाकबंगला चौराहे पर शोभा यात्रा का स्वागत किया एवं भगवान श्री राम की आरती उतारी। कार्यक्रम का आयोजन शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से किया गया था। शोभा यात्रा को देखने लाखों की संख्या में लोग डाकबंगला चौराहे पर एकत्रित हुए थे। झांकियों के आने जाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शोभा यात्रा के दौरान राजनीतिक एवं व्यापारी वर्ग की नामचीन हस्तियां भी मौजूद थी। भगवान श्री राम और माता सीता की सुंदर जोड़ी ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। चतुर्दिक जय श्री राम के उद्घोष से राजधानी राममय हो चली थी। भजन कीर्तन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा और रंग बिरंगी मनमोहक रोशनी से राजधानी जगमगाती रही।